अस्सलामुअलैकुम। पुराना पंखा लेके आ जाओ और नया पंखा ले जाओ। क्यों ले जाओ भाई, ऑफर आ गई है यार। कभी आपने देखी ऐसी ऑफर? कभी किसी सदर में देखी ऑफर? लेकिन लेता बात डाकखाना पर भारा बाहर आ गई, भारा बाहर आ गई। पंखे ले लो, अपना पुराना पंखा दे के जो दादी परदादी के जमाने का था। परदादी ने दिया था जहेज में दादी को, दादी ने दिया जहेज में वही पंखा उतार के किसको? दादी ने बहू को, बहू ने पंखा दिया एक और बहू को। फिर उसने जो है ना नई पौध आ गई, नई पौध आने के बाद जो है ना एसी डीसी का फैन आया और उन्होंने दादी के परदादी के जमाने का पुराना पंखा दे के एसी डीसी खरीद लिया। अंदर चलेंगे दुकान के अंदर, बल्कि दुकान के अंदर मौजूद हूँ तो हारिस भाई यहाँ पर मौजूद है, हमारे सारी तफसील बताएंगे कौन सा पंखा कैसा है। पाक फैन यूनुस खुर्शीद 50 वोल्ट का सही है, 30 वोल्ट का सही है, 80 वोल्ट का सही है, कौन सा सही है पता करते हैं। ये तो जबरदस्त कंपनी है यार, लेकिन अब एसी डीसी आ गए तो पैरामाउंट है और ये नेशनल का ब्रांडेड है। ये हेलो, बिल्कुल ऑन है, ऑन है और है भी ये कॉपर में, दोनों कॉपर में, कॉपर में। तो इसको दे के अपन ने एसीडीसी वाला लेने आए, एसीडीसी लेने लेके आए। एक लेके दो फैन है, दो फैन है, दो फैन है। ज्यादा बिजी खा रहा था इस वजह से। पकड़े हैं थोड़ा आगे तक ले। देखिए मेरे पास बहुत सारी कंपनी के फैंस हैं, अभी नए नए आए हैं। इसमें पाक फैन का है, खुर्शीद फैन का है, रॉयल फैन है, जीएफसी फैन है, तकरीबन सारे ब्रांड आपको मेरे पास जो है इसमें मिल जाएंगे। असल में बात ये कि यूनिट बड़ा महंगा हो गया, अभी बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो इस वजह से ये है कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप जैसे एसी डीसी फ़ैन लगाएं और बिजली की सेविंग वगैरह करें जैसे। तो इसी लिहाज से मेरे पास काफ़ी सारे फैन वगैरह हैं, जैसे अगर आप देखें तो मेरे पास पाक फैन का है। एसीडीसी में अगर हम 12 घंटे चलाएं तो कितना बिल आ जाएगा? एसीडीसी में होता ये है कि तकरीबन 12 घंटे आपका चलाने पे मुश्किल से एक यूनिट भी नहीं गिरता है, एक यूनिट भी नहीं गिरता। हाँ, क्योंकि एसीडीसी होता है 50 वाट 50 होता है जी। आप अपने घर में जो पंखे इस्तेमाल करते हैं ना, वो होते हैं 120 वाट। अगर कोई 18-20 साल पुराने अगर आपके पंखे हैं ना, तो तकरीबन वो 120 वाट लेते हैं। तो 120 वाट का मतलब ये होता है कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर जैसे अगर आप 10 घंटे चलाएंगे पंखा कंटिन्यूसली, तो आपका एक यूनिट जो है गिर जाएगा। कोई अच्छे एसीडीसी फैन दिखाएं आज क्या है? एसीडीसी फैन में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाक फैन वगैरह के हैं हमारे पास, खुर्शीद फैन के हैं, जीएफसी फैन है, रॉयल फैन है। इसमें आपको मैं भी एक नया फ़ैन आया है पाक फैन में, नया मॉडल आया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये जो बिल्कुल ओल्ड डिज़ाइन है, जैसे बहुत पहले से जो हमारे पंखे चलते वाले ना, कुछ 40-50 साल से पाक फैन ने ये डिलक्स में एसीडीसी बनाया है। इसमें 5 साल जो है मोटर की गारंटी है और 3 साल जो है पीसीबी कार्ड की गारंटी है और मल्टीपल टाइम चेंजिंग है। ये नहीं है कि एक दफ़ा चेंज होगा, इसमें बार बार आपको चेंज करके जो है कार्ड जो है वो चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल चेंज हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, रिपेयर नहीं करते हैं, इसको चेंज करते हैं, पूरा चेंज हो जाता है। इसमें जो है ये इसका रिमोट है, बड़ा स्लिम सा। इसमें लाइट इंडिकेशंस वगैरह सारी होती है। इसमें इको मोड दिया हुआ है, प्लस माइनस है, फुल स्पीड। इको से होता है कि इस पर अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो पंखा आपका 30 वोल्ट पे चलता है, 30 वोल्ट पे जी, 50 से 30 वोल्ट पे आ जाता है। तो खाली बताएगा 30 वोल्ट पे लेगा भी? मैंने 30 वोल्ट लेगा भी, ये पाक फैन कंपनी का फ़ैन है, ये 30 वोल्ट पे ही चलेगा, इससे ज़्यादा वोल्ट कंज्यूम नहीं करेगा ये। ये पाक फैन कंपनी के हैं इसमें जी। बाकी इसमें देखें शरायत वगैरह लिखी हुई है, डीमर वगैरह के साथ इसको अटैच नहीं करते, डीमर रेगुलेटर जो है इसके लिए निकालना पड़ता है। ये है 9500। और अगर इसके अलावा जैसे ये जी पाक फैन का है, ये 9500 का जी। और अगर खुर्शीद का लें तो उसकी क्या प्राइस है? खुर्शीद का फैन 10500 रुपये का है। हालांकि नाम तो सिर्फ ब्रांड तो ये है, पाक फैन का है। असल में सबसे पहले जो फ़ैन बनाया ना वो खुर्शीद कंपनी ने बनाया, सोलर फैन ना। ये कि खुर्शीद की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो BLDC मोटर प्रोवाइड करता है, ब्रश लेस डायरेक्ट करंट है। अगर आप देखें तो इसके पंखे पे लिखा हुआ भी है BLDC, और पाकिस्तान का पहला BLDC पंखा है ये। UPS वगैरह पे लंबा टाइम देता है, ब्रश लेस डायरेक्ट करंट होता है, ब्रश लेस डायरेक्ट करंट। ये मोटर वगैरह जो होती है इसमें बैरिंग नहीं होता है, इसमें अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है, इनमें बैरिंग सिस्टम नहीं होता है। इन मोटर में बैरिंग नहीं होता है? नहीं, मोटर में बैरिंग नहीं होता है, इसमें मैग्नेट होता है अंदर। मैग्नेट जी। पाक फैन का पंखा है वो ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने। हाँ, ये वही है। और ये एसीडीसी है जी, एसीडीसी। आपको मैं इसका कार्ड भी दिखाता हूँ निकाल कर। इसमें किट जो लगी हुई है ना, ये RF है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, इन्फ्रारेड नहीं है।
आरएफ टेक्नोलॉजी किट होती है, इससे होता ये कि आप एक रिमोट से जो है ना इसमें आप 10-12 पंखे भी चला सकते हैं एक ही रिमोट से। एक रिमोट से 10-12 पंखे चला सकते हैं पार्क फैन के, यही सेम मॉडल क्योंकि सेम फैमिली है ना ये। जी तो कार्ड आप कह रहे हैं कि ये नया देंगे अगर ये रिप्लेस है मतलब रिपेयर वगैरह नहीं करेंगे, 3 साल की कार्ड की गारंटी है, 3 साल में कुछ भी होगा आपको ये कार्ड 300 दफ़ा भी जलेगा ना तो चेंज करके नया दिया जाएगा। कार्ड आपके पास लाना पड़ेगा? नहीं नहीं मेरे पास भी ला सकते हैं, पार्क में होम सर्विस गारंटी होती है इसकी, आप चाहे तो होम सर्विस करवा लें। अच्छा ये क्या चक्कर चल रहा है, ये पुराना पंखा दे और नया ले इसका क्या चक्कर? इसमें होता ये कि जैसे पुराना फैन अगर आपके पास कोई लगा हुआ है घर में तो आप ला के रिप्लेस कर सकते हैं, उसके पैसे जो है कम हो जाते हैं, तो उससे होता है कि आपका जो बैलेंस होता है वो और कम हो जाता है। जैसे नॉर्मल जो पहले इस एसीडीसी से पहले जो पंखे आते थे वो कितने वाट होते थे? वो तो तकरीबन 120 वाट होते हैं। 120 वाट अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा कोई पुराना है 30-40 साल पुराना पंखा है तो वो 150 वाट भी लेते हैं। 120 वाट वाला पंखा आपको देंगे तो आप उसको वापस ले लेंगे? जी जी ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। देखिए फैन अगर कॉपर का होगा तो 2500 रुपये का जाता है, 2500 रुपये का, और अगर जैसे फ़ैन सिल्वर का है तो 1500 रुपये का जाता है। तो पैसे ऐड हो सकते हैं? हाँ वो पैसे जो है लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके ना। अब जैसे एक पंखे की कीमत 9500 रुपये, डिस्काउंट तो एक इसमें अलग है, बाकी 2500 आपके फैन के कम हो गए तो आपका बैलेंस जो था 9500 का वो 7000 रुपये पे आ गया। खुर्शीद का फैन मैं आपको दिखाता हूँ, खुर्शीद का इसका रिमोट है, इसमें डिस्प्ले डिजिटल आ गया है। पहले इसमें रिमोट सादे आते थे, पहले वाइट कलर का आता था स्टार्टिंग में, उसका इन्होंने कलर चेंज करके पूरा रिमोट ब्लैक कर दिया था और अब बिल्कुल ही चेंज कर दिया, इसमें डिस्प्ले कर दिया इन्होंने डिजिटल। डिजिटल रिमोट हो गया? जी डिजिटल हो गया खुर्शीद में। ये डिज़ाइन है खुर्शीद का, आईकॉन मॉडल कहलाता है ये। आईकॉन जी आईकॉन मॉडल के लाते हैं। ये जितने भी इस तरह के डिजाइन वाले हैं सारे खुर्शीद के हैं या दूसरी कंपनी के? ठीक है पार्क फैन में इस तरह का कोई डिजाइन नहीं निकाला? नहीं पार्क फैन में ऐसा डिजाइन आता है, पार्क फैन में आता है ऐसा डिजाइन आता है सेवियर मॉडल में, सेवियर में आता है पार्क फैन में ये। बाकी पार्क फैन में अगर आप देखें तो मेरे पास और भी मॉडल है, ये क्रिस्टल रखा हुआ है, डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है, ये डिलक्स है, और वो फ्लोरा क्लासिक रखा हुआ है, ये आ गया सेवियर, ये सेम डिजाइन है ना देखें पार्क फैन में। हाँ ये आईकॉन डिज़ाइन कहलाता है ये तकरीबन मुख्तलिफ कंपनी ने बनाया है, ये हर कंपनी ने बनाया है डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आपको यूनुस में भी मिलेगा, यूनुस कंपनी में भी है। ये 10500 रुपये का है, 10500 रुपये उसके पैसे इसमें ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल इसमें ऐड हो जाएंगे, वो मतलब लेस करने के बाद जो आपका पंखा तकरीबन ही आ जाएगा 10500 है ना, 9500, 8500, 8000 रुपये तक। ये जो दीवार वाला फैन है एसीडीसी आता है? बिल्कुल आता है इसमें एसीडीसी, इसमें एसीडीसी मेरे पास। इसमें कौन सा फंक्शन होता है? हाँ इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास इसमें साइजेज हैं देखें रखे हुए, इसमें ये आपको मेरे पास वाहिद कंपनी का मिलेगा एसीडीसी ब्रैकेट 18 इंच का, वाहिद जी वाहिद फैन है ये। बाकी इसमें मेरे पास 24 इंच में भी रखा हुआ है, 75 वाट के अंदर पार्क फैन का रखा हुआ है। ये क्या प्राइस है इनके? ये आपको पड़ेगा 13500 रुपये का, जी 13500, ये 8500 का है, 8500। ये जो है ना जो फैन ऐसा एग्जॉस्ट है जी, एग्जॉस्ट ये भी 12 वोल्ट का आता है? एग्जॉस्ट वैसे 12 वोल्ट में नहीं, हाँ आ गया है एग्जॉस्ट 12 वोल्ट में फिलहाल आ गया है, खुर्शीद वगैरह कंपनी में भी शायद निकाला है, मैंने सुना भी था ऐसा, तो ये कि अभी मार्केट में हमारे पास फिलहाल नहीं आया है। एग्जॉस्ट फैन तो वैसे भी बहुत कम ही यूज़ होता है ना, तो ये 12 वोल्ट में वॉशरूम वगैरह के मतलब इस्तेमाल में होता है ये। और इसके अलावा क्या आपके पास फनकारी वाली चीज़ है? फनकारी वाली चीज़ मेरे पास इसके अलावा 30 वोल्ट में ये 30 वोल्ट पंखे आए पार्क फैन में, इन्वर्टर पहले एसीडीसी आते थे, अभी ये 30 वोल्ट निकाल दिए इन्होंने, ये और बिजली कम लेते हैं, इसमें वारंटी वगैरह भी ज़्यादा है, इसमें 5 साल तो मोटर की गारंटी है और 5 साल ही कार्ड की गारंटी है। ये आपको पड़ेगा 10800 रुपये का, 10800। मुझे मुझे जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैंने एक दो वीडियो बनाई थी जी जी। उसमें ये बोला गया था कि 30 वाट के मत लें, 50 वाट का फिर भी बेहतर है, इसमें क्या चक्कर है? हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसने भी मशवरा दिया आपने सुना है, क्योंकि होता ये कि देखिए पंखा पहले तो 120 वाट था, उससे पे अभी जो नए पंखे आए 2-3 साल पुराने आप लेंगे तो वो एसी वाले जो 220 वाट वाले जो पंखे आते थे वो 75 वाट होते, और एक तो कंपनी ने 75 वाट से कम करके फिर 50 वाट पे आ गई एसीडीसी, तो मतलब 30 वाट पे पंखे में मतलब कुछ बचता नहीं है, फिर वाट कम से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वाट कम से कम ही हो जा रहा है,
तो ये कि भी 30 वाट में पंखे में बचता कुछ भी नहीं है, कम होता जा रहा है, हवा भी कम, हवा भी कम हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 50 वाट में और 120 वाट में हवा बिल्कुल बेहतर है। हाँ फिर भी बेहतर है काफी, AC DC में तो 50 वाट में तो हवा बहुत अच्छी होती है। एक ऐसा रिमोट आता है जिसमें पंखा तेज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। हाँ वो तो सब में, अब सब में मोड होते हैं, 1 से लेकर 7 तक स्पीड होती है, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपका वाट बढ़ता रहेगा, बिल्कुल वाट बढ़ेगा आपका, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपका वाट बढ़ता रहता है। जैसे ये डब्बे पे भी पार्क फैन ने मेंशन किया हुआ है, इस पर देखें ना सब लिखा हुआ है, इसकी ये AC और DC की स्पेसिफिकेशन है। ये एक स्पीड पे देखें 114 RPM के साथ जो है 1 वाट ले रहा है, उसके बाद ये दूसरी स्पीड के ऊपर जो है ये 4 वाट ले रहा है और 165 इसके RPM है। जैसे जैसे स्पीड आप बढ़ाते रहेंगे ना वैसे वैसे देखें आपके वाट बढ़ रहे हैं और RPM बढ़ रहे हैं, तो ये होता है। अच्छा ये क्या चक्कर है कि जैसे अगर रिमोट बंदे को नींद आ रही है जी, तो हवा तेज लग रही है उसको, तो वो पंखा रिमोट से बंद कर देता है, क्या वो डायरेक्ट बिजली का कनेक्शन उसका रहता है, जैसे नहीं तो जी जी चीज बंद कर दो लेकिन फिर भी मीटर जो है ना चलता रहता है। हाँ, ऐसा है या वो डायरेक्ट बंद हो जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, अगर पंखा बंद कर देंगे तो पंखा फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो आपकी बिजली वगैरह कंज्यूम नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये कितने का बताया था? जी ये पार्कमैन का 9000 रुपये का है, ये क्रिस्टल मॉडल है, इसमें 5 साल मोटर गारंटी है और 3 साल कार्ड की गारंटी है। लेकिन ये दुकानदार जो है ना आजकल अपना पंखा बेचने के चक्कर में बोलते हैं कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आप अपनी सजेशन दें लोगों को कि कौन सा फ़ैन लेना चाहिए। फ़ैन तो देखें पार्क फैन का पंखा अच्छा है, 1945 से आ रहा है, सिंस 1945 जब तो पाकिस्तान आपका आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो पार्क फैन आप आग बंद करके अभी भी ले सकते हैं, इसकी क्वालिटी मयार अभी तक बहुत अच्छा है पार्क फैन का। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कस्टमर को कि पार्क फैन का AC DC फैन लगाएं, ये फैन अच्छा है। हाँ ये 50 वॉट का है और ये पार्क फैन का लगाएं, पार्क फैन का बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है खुर्शीद फैन लगाएं, तैमूर फैन लगाएं, तो ये भी बहुत अच्छे फ़ैन हैं। ये 9000 रुपये का है AC DC, ये आपको खुर्शीद का पंखा मिलेगा। आइकॉन इसमें 2 कलर आते हैं, लाइट डार्क, और इसमें एक ब्लैक कलर भी आता है फुल ब्लैक। ये 10500 रुपये का है। ये पार्क फैन का क्रिस्टल मॉडल है जो आपको मैंने अभी दिखाया था, ये 9000 रुपये का है। ये रॉयल का रीजेंसी मॉडल है, ये भी 9000 रुपये का है। ये ग्री कंपनी का पंखा है, ये आपको 6500 रुपये का मिलेगा, लो बजट में अच्छा पंखा है ये भी, 6500 रुपये का ये। और बाकी ये ओमेगा कंपनी का है, ये 220 वाला है, ये AC DC नहीं, ये 4000 रुपये का है। ये एशिया कंपनी का, ये 3500 रुपये का है। जी 3500 और 9000 में फर्क आ रहा है, पंखे में भी फर्क है क्या है? बिल्कुल पंखे में भी फर्क है, क्वालिटी में भी फर्क है, कंपनी का भी फर्क है, हवा में भी फर्क है, हर चीज़ में फर्क है, ये तो बात बिल्कुल हकीकत है, इसमें दो राय नहीं है। ये 3800 रुपये का हाईटेक का पंखा है, कॉपर का, 220 वोल्ट में। हाँ 220 है ये, 220 वोल्ट में। ये बिलियन फैन कंपनी का पंखा है, 4500 रुपये का है। जहाज का इंजन लग रहा है इस तरह देखने से, ये इस तरह अगर मैं दिखाऊं तो। हाँ ये फैन जो है ये बहुत अच्छा है, इसमें मोटर बड़ी हैवी है। ये यूनुस कंपनी का है, यूनुस कंपनी का है ये फैन, ये 7500 रुपये का AC DC, इसकी भी कीमत बड़ी अच्छी है, मतलब आपको ब्रांडेड पंखा मिल रहा है, अच्छी कंपनी का फैन मिल रहा है, 7500 रुपये में। ये भी 4800 रुपये का, ये भी बिलियन फैन का ही फ़ैन है, जिसका दूसरा डिज़ाइन है। अब जो है मैं ये फ़ैन आपको 12 वोल्ट का ना बैटरी पे चला के भी दिखाता हूँ। लेकिन पंखा कौन सा चेक करवा रहे हो? ये पार्क फैन का डिलक्स मॉडल है जी, ये पार्क फैन का है। बाकी इसकी आप स्पीड देख रहे हैं? हाँ सर मैंने इसको पकड़ा हुआ ऐसे है ना, इस वजह से तो उसकी स्पीड देखें आप, कल है मेरी बैटरी देखें आप, कितनी छोटी सी बैटरी है ये, 12 वोल्ट की 7 एम्पियर की बैटरी है ये, इस पर भी आपने इसकी स्पीड देखी कितनी तेज़ है। हाँ 7 एम्पियर भी चल रहा है, बैटरी तो बस 12 वोल्ट होती है, वो एम्पियर 7 हो 5 हो 50 हो या 120 हो, उसमें तो आपको बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा, इट डजेंट मैटर, बैटरी तो सारी 12 वोल्ट की होती है। हम किस दुकान पर खड़े हैं, एड्रेस और फ़ोन नंबर? ये आप दुकान पर खड़े हुए लियाकताबाद में बाहर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेरी अपनी अलहमदिल्ला हमारी अपनी खुद की दुकान है ये, बाकी नेसगेस कंपनी के भी हम डीलर हैं। अच्छा पिछली दफ़ा बड़ी शिकायत आई थी वीडियो में कि भाई नंबर सही नहीं दिया या नंबर बंद रहता है, क्या चक्कर है? नहीं वो असल में होता ही है कि कॉल्स वगैरह बहुत सारी आती है ना कस्टमर्स वगैरह की, तो इसलिए मैं कॉल बहुत सी मतलब रिसीव नहीं कर पाता था अक्सर ना कस्टमरों की, तो नंबर ये चले। हाँ नंबर मैं आपको दफ़ा दोबारा देता हूँ इंशाल्लाह, और इस दफ़ा कस्टमर को कोई जी और कस्टमर को शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह, जो भी कॉल करेगा मैं उनकी कॉल रिसीव लाजमी करूँगा। बाकी क्या अगर कस्टमर डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे अगर कॉन्टेक्ट करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर मैं रिस्पॉन्स उनको मतलब अच्छा दूंगा, तो ये होता है। बाकी मैं आपको अपना नंबर बताता चलता हूँ, मेरा नंबर है 03012564
4771 यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है और यही नंबर मेरा सिम पे भी है, कॉल वगैरह भी आप कर सकते हैं। कितनी टाइमिंग से किस टाइम तक बंदा कर सकता है पता चलेगा? सुबह नहीं 12 बजे तो नहीं, खैर वो तो अब टाइम सोने का होता है, तो ये कि जो शॉप की जो टाइमिंग होती है 11 बजे से सुबह रात को 9 बजे तक आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। और मोस्ट वेलकम, अगर दुकान पे आना चाहे तो दुकान पे आके विजिट भी कर सकते हैं। डिलीवरी भी करते हैं, जैसे कोई अगर फोन करके बोले यार मेरे पास पुराने 2 पंखे पड़े हुए हैं, जी जी वो वहाँ से उठा लो और मुझे 2 पंखे के साथ पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी हमारी फ्री है। जैसे लियाकताबाद के अगर जो एरिया जो करीब करीब है ना, जैसे अगर जैसे नाजमाबाद हो गया या गोली मार हो गया डाखाना हो गया, तो मतलब इस एरिया में हम लोग डिलीवरी भी फ्री करते हैं। किलोमीटर के अंदर अंदर फ्री? हाँ फ्री है, बिल्कुल ऐसी है डिलीवरी, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। चले दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।